जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको नवंबर महीने की चार सरकारी भर्तियां बताएंगे जिनमें आप फॉर्म डाल सकते हो, लड़कियां हो या लड़के। चार सरकारी भर्तियां नवंबर महीने की, काफी अच्छा मौका है आपको भर्ती होने का, आपके लिए शानदार वैकेंसी आ गई है। तो चारों की चारों आपको देख के जाना है, और अगर आपकी उम्र सीमा या लंबाई पढ़ाई होगी तो आप फॉर्म डाल लेना। चार सरकारी भर्तियां जो निकली हुई है, लगभग ये जो वैकेंसी है ये 10वीं 12वीं पास पे होने वाली है, तो आपको देख के जाना है और अपने सभी भाइयों के साथ, बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। और जो लड़के पहली बार चैनल पर आए हैं, सरकारी भर्ती की अपडेट के लिए आर्मी दो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो आपको सरकारी भर्तियों की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आपको हम इस वीडियो में देखिए, चार सरकारी भर्तियां हैं, चार सरकारी भर्तियां सरकारी हैं, तो आपको शानदार मौका मिलने वाला है 10वीं 12वीं पास पे। इनके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुके हैं और हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। पूरे नवंबर महीने में फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। चलो आपको बताते हैं भर्ती के बारे में। देखिए पहली जो सरकारी भर्ती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली जॉब जो है वो आपकी है, पोस्ट का नाम है रेलवे। रेलवे की वैकेंसी है, रेलवे की वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म डाल सकते हो। टोटल वैकेंसी लगभग 5,647 है, ठीक है, 5,647 पोस्ट है। एज इसमें रखी गई है, देखिए जनरल जो लड़के हैं 15 वर्ष से, हाँ बिल्कुल सही सुना, रेलवे में भर्ती निकलती है, हर साल निकलती है, जिसमें 15 से 24 वर्ष वाले जनरल वाले लड़के और लड़कियां फॉर्म डाल सकती हैं। जो ओबीसी वाले होते हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है, 24 के आगे 3 साल जोड़ लेना ओबीसी वाले लड़की और लड़का, एससी एसटी वाले 5 साल और जोड़ लेना इसके आगे 24 के आगे, तो इतनी आपकी उम्र रहती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन। देखिए इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता 10वीं पास आपकी होनी चाहिए, प्लस आईटीआई होनी चाहिए, आईटीआई आपकी होनी चाहिए, साथ में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म डेट जो है, ऑनलाइन अप्लाई करने की 100 रुपया फीस है, और एससी एसटी वालों की तो फीस भी नहीं है, 100 रुपया फीस है। फॉर्म डेट जो है वो है 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 3 दिसंबर 2024 तक। देखिए इसमें आईटीआई होनी चाहिए और 10वीं होनी चाहिए। जो आपका भाई आईटीआई वाला है उसको शेयर करो, ठीक है, जहां कोई आपकी बहन है जिसने आईटीआई किया उसको शेयर कर दो। दूसरी सरकारी भर्ती जो डिफेंस लाइन की भर्ती है, दूसरी सरकारी भर्ती आईटीबीपी की, जो पोस्ट नेम है आईटीबीपी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एसआई की, आज ही मैंने इसकी स्पेशल वीडियो अपने चैनल पर डाली है, स्पेशल वीडियो बनाई है इस पर, अगर आपको देखनी है तो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। टोटल वैकेंसी आपकी 526 रहने वाली है, उम्र इसमें एज रहने वाली है जनरल लड़के और लड़कियां 18 से 25। देखिए कांस्टेबल के लिए लगाना चाहते हो तो 23 वर्ष होगी, अगर हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करोगे तो 25 वर्ष, अगर एसआई के लिए करोगे तब भी 25 वर्ष, जनरल के लिए 18 से 23, ठीक है, सॉरी कांस्टेबल के लिए। और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट भी मिलेगी उम्र में, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए देखिए आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, सिंपल, अगर आपकी 10वीं पास है तो फॉर्म लगा सकते हो, 12वीं पास पे भी ये फॉर्म लग जाएंगे, और मेल और फीमेल दोनों लगा सकते हैं। फॉर्म डेट, ऑनलाइन अप्लाई करने की जो आपकी डेट है वो 15 नवंबर से है और 14 दिसंबर तक फॉर्म डालेंगे। ये सरकारी दूसरी भर्ती है, ठीक है, काफी अच्छा मौका है लड़कों के लिए। तीसरी जो सरकारी भर्ती है ये पुलिस की भर्ती है। तीसरी वैकेंसी है ये आपकी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है इसमें 2000 वैकेंसी है, आप सबको बता दूं ये सिर्फ उत्तराखंड के लड़कों के लिए है, ठीक है, इसमें बाकी राज्यों के नहीं भर सकते हैं। इसमें 18 से 22 वर्ष उम्र चाहिए ओबीसी वालों को, 3 साल की, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट। इसमें आपका क्वालिफिकेशन है वो 12 पास होने चाहिए, ठीक है, एजुकेशन आपकी 12 पास होनी चाहिए। बात करें तो फॉर्म की, आपकी जो फॉर्म 8 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक फॉर्म डलेगी। जैसे सिर्फ उत्तराखंड के वालों के लिए थी वैकेंसी, और उसके बाद
जो बच्चे आर्मी में टीए आर्मी में जाना चाहते हैं, नंबर चार आपके लिए वैकेंसी पोस्ट निकली हुई है टीए आर्मी की, जीडी की, ट्रेडमैन की, क्लर्क की, लगभग 3000 प्लस वैकेंसी है पूरे भारत के लिए। उम्र इसमें रहती है सीधा जनरल ओबीसी एससी एसटी वालों की सबकी 18 से 42 वर्ष। जीडी के लिए जाओ, टेक्निकल जीडी के लिए जाओ, क्लर्क के लिए जाओ, सबके लिए सेम उम्र रहती है 18 से 42। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, बात करते हैं योग्यता। योग्यता की बात करें तो 8वीं पास, 8वीं पास पे ट्रेडमैन की, 10वीं पास पे जीडी की, 12वीं पे क्लर्क की वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें कोई फॉर्म नहीं लगाते हैं, कोई कुछ आपको अप्लाई करना नहीं होता है, सीधा ओपन होता है, ये सीधा रैली में जाना होता है। इसकी तो सीधी रैली डेट बताएंगे, 4 नवंबर से जोन 4 की रैली शुरू है। ठीक है, तो 30 नवंबर तक भर्तियां होंगी अपने अपने जोन की, अपने अपने राज्य की रैली डेट देख लेना, मैंने वीडियोस बनाई हुई है, यूट्यूब पे जाइए, हमारे चैनल में जाइए, वीडियोस में जाइए, उधर टीए आर्मी की जानकारी लेना चाहते हो तो जोन भाई अपने राज्य की रैली डेट देख लेना। ठीक है, ये थी सरकारी 4 भर्तियां। थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए। ठीक है, तो कैसी लगी शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।